तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, पिपराई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, संकाय अध्यक्ष नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय डॉक्टर टीएस आजेता जी, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार के निदेशक कर्नल डॉक्टर राजेश बहल जी, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और महानुभाव, आज शिवरात्रि का पावन पर्व भी है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी। इन दोनों दिवसों की आप सबको हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने दोनों आयोजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय की पहल भी है, शासन की पहल भी है, समाज के पर्व त्योहारों का भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस पर्व की महत्व है, इन सब को ध्यान में रख करके आज महिला सम्मान, उनका स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई मशीनों को 221 ऐसी जो अगल बगल की महिलाएं हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया, उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्हें यह उपलब्ध कराया जा रहा है मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, और जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है माणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण के ऐसे प्रशिक्षकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही, यानी पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। वास्तव में संस्था के पीछे का उद्देश्य ही यही है, हम समाज के सापेक्ष बने, समाज के निरपेक्ष नहीं, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, उसका भी हमारे निर्माण में कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ इस विकास के अभियान का हिस्सा बना हुआ है, हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अक्सर होता क्या है, हम संस्थाएं बनाते हैं लेकिन वे संस्थाएं स्थानीय सोसाइटी के साथ संबंध नहीं रख पाती, उनसे निरपेक्ष हो जाती है और परिणाम क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यहां पे कोई संस्था है या नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर विश्वविद्यालय अपने चिकित्सालय के माध्यम से, यहां के जो आयुर्वेद और मेडिकल के जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके माध्यम से, नर्सिंग और पैरामेडिकल के फार्मेसी के जो छात्र हैं उनकी मदद से अगल बगल के क्षेत्रों में हेल्थ